तो ये है वो बैट, मैं इसको खोलने जा रहा हूँ और अभी तक मैंने देखा नहीं है कि अंदर कैसा बैट है। तो इसमें देखिए जो बैट का शेप है, जो इसमें बैलेंस जो बना हुआ है बैट का, ये बिल्कुल डक बीक की तरह है। ये देखिए आगे ऐसे रहता है, डक के बीक सेम उसी की तरह है, और ये पीछे इस तरीके का। तो ये जो बैलेंस यूज़ करते हैं, जो बैट के शेप करते हैं, वो विराट कोहली यूज़ करते हैं। और बैट का लिखा होता है कि कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, और ये होलोग्राम जो होता है इससे पता चलता है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। तो जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं जो हूँ आज अनबॉक्स करने वाला हूँ अपना बैट, जो कि मैंने स्पेशली मेरठ से कस्टमाइज बैट मंगवाया है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपका 10 to 12K का बजट है, मतलब कि 10 से 12 हज़ार के बीच अगर आपका बजट है, तो आप कौन सा बैट सेलेक्ट करें जो आपके मनी को वर्थ इट करे। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ताकि आप जब भी कहीं स्टोर पर जाए या आप ऑनलाइन भी अगर मंगाते हैं तो वो चीज़ें ध्यान रखेंगे, तो आपको वो बैट हमेशा बेस्ट मिलेगा और वो आपको मैचेस पे भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो बैट, मैं इसको खोलने जा रहा हूँ और अभी तक मैंने देखा नहीं है कि अंदर कैसा बैट है, बस मेरे कस्टमाइज के हिसाब से ही वो बैट भेजा गया है। ये मैंने मंगाया है, SS का ये बैट है और VA 900, मतलब इसमें एक सीरीज है, वो सीरीज मैंने मंगाई है। ये है वो बैट SS VA 900, और जो इसका मॉडल है वो है रेट्रो क्लासिक। मैं आपको पास से एक बार दिखाता हूँ ये कैसा बैट है। ये बैट और पीछे से इस पे मेरे नाम की इंग्रेविंग हो रखी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बैट सेलेक्ट करना है अगर आपका 10 to 12 बजट है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो गया है कि बैट के जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा हाई हो गए हैं। तो एक 10 to 12 के बीच में जो आपको एक अच्छा Grade 1 बैट मिल सकता है, तो उसकी सारी मैं चीजें बताऊंगा, जब भी आप जाओगे तो इजी हो जाएगा आपको बैट लेना। तो मैं आपको पहले पास से दिखा देता हूँ कैसे आपको बैट सेलेक्ट करना है। जब भी आप जाएं तो सबसे पहले एक चीज देख लें कि बैट में कितने ग्रीन्स हैं और कैसे हैं, कि सीधे हैं या थोड़े से टेढ़े जा रहे हैं, किस तरीके के ग्रीन्स जा रहे हैं, उसको पहले समझना है। तो जैसे ये बैट है, इसमें देखिए स्ट्रेट ग्रीन्स हैं, कितने ग्रीन्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ग्रीन्स हैं, वो भी स्ट्रेट है, और बैक साइड पे भी वैसे ही होने चाहिए 7 to 8 ग्रीन्स, तो ठीक है। जैसे इसमें देखिए बैक साइड पे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें बैक साइड भी 7 ग्रीन्स है। ये बात हो गई ग्रीन्स की। तो अब बात करेंगे बैट के वेट की। जैसे ये जो मेरा बैट है इसका वेट है 1130 ग्राम्स, मतलब कि 1130 ग्राम, जो कि बहुत ही लाइट वेट है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी बैट प्रेफर नहीं करता हूँ कि वो लिफ्टिंग के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम करता है, जिससे बैट स्पीड स्लो होने लगती है। तो कि मैं 1150 मैक्सिमम लेता हूँ वेट, और उसी के बीच में बैट्स रखता हूँ। अब मैं आपको बैट का वेट दिखाता हूँ कि कितना ये बैट का वेट है, 1134 ग्राम्स बैट का वेट शो कर रहा है। जो बैट का वेट जो लिखा हुआ था इस स्टिकर के ऊपर, वही बैट का वेट है। अब बात करेंगे बैट के बैलेंस की, कि कैसा बैलेंस लेना चाहिए एक प्रोफेशनल प्लेयर को। जैसे मैं जो खुद प्रेफर करता हूँ, या मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के बैट देखे हैं, जैसे विराट कोहली का ही अगर आप बात करें तो वो डगबेल शेप पे बैट यूज करते हैं, और जैसे धोनी है तो वो फुल प्रोफाइल बैट वेट करते हैं। उनका जो बैट का वेट होता है विराट कोहली का, वो सेम इसी तरीके का होता है। जैसे ये डक बिल, ये देखिए आगे जैसे ये शेप है, जो इसमें बैलेंस जो बना हुआ है बैट का, ये बिल्कुल डक बीक की तरह है। ये देखिए आगे जैसे रहता है डक के बीक, और सेम उसी की तरह है, और ये पीछे इस तरीके का। तो ये जो बैलेंस यूज करते हैं, जो बैट के शेप करते हैं, वो विराट कोहली यूज करते हैं, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर जैसे कि सूर्य कुमार जो है वो भी यही वाला शेप यूज करते हैं, और मैं भी प्रिफर करता हूँ कि ये मुझे सूट करता है। और जो धोनी होते हैं उनका जो होता है वो फुल प्रोफाइल बैट होता है। क्या होता है उनके, ये आप देख रहे हैं ये ऐसे करके ये नीचे तक के जाता है, जैसे इसमें ये स्ट्रेट है उसमें वो आगे तक के
जाता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा बैट का शेप, कौन सा बैलेंस आप यूज करते हैं। और अब बात करेंगे बैट के पिकअप। बैट का पिकअप क्या होता है कि जैसे कि आपने बैट कोई पिक करा और उसको अपने बैकलिफ्ट पे लिया, तो ये जो पिकअप होता है ये आपको इजी फील होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा आपको हैवी लग रहा हो। तो जितना अच्छा पिकअप होगा उतना अच्छा आपको बैटिंग में बैट आपका चलेगा और बैट स्पीड भी तेज रहेगी। और जितना पिकअप में आप स्लो रहेंगे मतलब आपको हैवी लगने लगेगा तो वो बैट उस तरीके का चल भी नहीं पाएगा और आपको लिफ्टिंग में या कोई फास्ट बॉलर्स को अगर आप तेज हिट करने जाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा क्योंकि बैट स्पीड उससे स्लो होगा। तो ऐसा आप बैट सेलेक्ट करिए जिसमें आपका जो बैट का पिकअप वो बहुत अच्छा आना चाहिए, आपको खुद से एक फील आए कि हाँ ये बेस्ट है आपके लिए। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। तो अब बात करेंगे बैट के विलो के बारे में कि जब अगर आप जाएं तो बेस्ट विलो कैसे मिले, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पायरेसी हो गई है। कैनेडियन विलो, साइबेरियन विलो, इस तरीके के विलो भी आ गए हैं जो कि एक्चुअल जो इंग्लिश विलो होती है वो मार्केट में कम हो गई है। तो अगर आपको वो सिलेक्ट करना है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, तो आप जो है ज्यादातर बड़े ब्रांड की तरफ जाए, SS, SG और बास, BDM, इन सब पे जाएंगे तो आपको इजिली इंग्लिश विलो के जो विलो है वो प्रॉपर मिलेगा। और लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ मार्केट में रहते हैं जो पायरेसी वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो किस तरीके का होता है कि वो क्या करते हैं, आपको बैट सेम ऐसे ही बने रहेंगे पर वो उनकी जो विलो होगी वो ब्राउन कलर की होगी, बहुत ज्यादा ब्राउन होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि ब्राउन विलो जो होती है वो हार्ड होती है, तो लोग कहते हैं कि ये हार्ड विलो है, पर ऐसा नहीं होता है कि ब्राउन विलो ज्यादातर क्या होती है कि वो ज्यादातर कैनेडियन या साइबेरियन विलो होती है। तो उससे आप बचिए, जब भी आप जाइए तो आप कोशिश करें कि व्हाइट विलो ही रहे या थोड़ा बहुत ब्राउन लाइट रहेगी पर बिल्कुल ब्राउन ना रहे। वो आप समझ लीजिए अगर बहुत ज्यादा ब्राउन है तो वो हार्ड विलो है और कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि वो प्रॉपर इंग्लिश विलो है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है वो कैनेडियन या साइबेरियन विलो है। तो आप कोशिश करें, जाइए तो व्हाइट विलो ही चूज करिए जब भी आप शॉप पे जाए या ऑनलाइन अगर जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप बैट लेने जाओ तो बैट का जो पंच है वो कैसे चेक करो। ज्यादातर लोग क्या करते थे, जो पहले लोग होते थे वो इस तरीके से चेक करते थे कि उनको जहाँ पे अगर अच्छा साउंड मिल रहा होता तो वो समझते थे कि ये अच्छा है। पर अब क्या हो गया, अब ज्यादातर लोग बॉल से ही चेक करते हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बॉल से चेक करना और इसमें कैसे आप समझ सकते हैं कि बैट का पिंग अच्छा है कि नहीं है। पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बॉल लिए, तो इसमें आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि बैट जब आप बॉल हिट करें चेक करने के लिए, जैसे ये मैंने चेक करा, तो आपको बहुत हल्का सा लाइट बिल्कुल एफर्ट देना है और बॉल जो है ज्यादा दूर ट्रेवल करे। इससे आपको पता चल जाएगा बैट का पिंग जो है वो अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा तेज हिट करते हैं तो बॉल भी तेज चला जाता है। तो उससे आप कभी भी पता नहीं कर पाएंगे कि बैट का पिंग कैसा है। आप कोशिश करिए आप लाइट से करें और बॉल जो है, ये देखिए बॉल जो है ज्यादा ऊंचा ट्रैवल करे, इसका मतलब कि बैट का पिंग बहुत ही अच्छा है। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा कि बैट का पिंग कैसे सेलेक्ट करना है। आप कभी भी बहुत तेजी से ना मारिएगा, आप लाइटली बैट को हिट करिए और बॉल जो है ट्रैवल करेगी। अगर नहीं करती है तो आप कोई दूसरा बैट चूज कर सकते हैं, हो सकता है क्योंकि पिंग अलग अलग रहते हैं तो आपको इस तरीके से एक अच्छा बैट मिल जाएगा अगर आप पिंग सही से सेलेक्ट कर लेंगे। और एक चीज खास आपको और बता दूं ऑथेंटिकेशन के लिए कि बैट ऑथेंटिक कंपनी से आया है कि नहीं आया है। तो आप क्या करते हैं, कंपनी जो है इस चीज को यूज करते हैं। इसमें ये देखिए क्या होता है, इसमें पूरा बैट का लिखा होता है कि कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है और ये होलोग्राम जो होता है इससे पता चलता है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। और ये बारकोड है, आप कोई भी ऐप से इसको स्कैन करेंगे तो ये पूरा साइट खुल जाएगा, इसका मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है। तो इन चीजों को भी जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप बैट लेने जाएं। और जब भी आप शॉप पे जाएंगे तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बैट में नॉट्स कम से कम हो, क्योंकि 10 to 12 अमाउंट एक अच्छा अमाउंट है। उसमें अगर आपको बैट में नॉट्स मिलने तो आप बैट को चेंज कर लो, कोई दूसरा बैट लो। जैसे ये देखो बैट, इसमें देखो बिल्कुल क्लीन विलो है, फ्रंट में भी और पीछे भी। नॉट से मतलब है कि जो ब्राउन कलर के डॉट्स टाइप के रहते हैं वो गांठ होती है, उसको नॉट्स कहते हैं क्रिकेट लैंग्वेज में। तो वो गांठ जो होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए। क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा गांठ होंगी तो जो बैट का जो प्राइस होता है वो नीचे चलता चला जाता है, और जितनी क्लीन विलो होती है उतना बैट का प्राइस
ऊपर रहता है, तो इस चीज से भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप बेड लेने जाओ तो बेस्ट बेड सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। अगर आपको एक 10-12 K का बेड लेना है तो जितने भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं आप उनको ध्यान रखना, या आप ये वीडियो सेव कर लो, आगे इन फ्यूचर आपको ध्यान रहेगा कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। और अगर आपने मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि आपका अगर बजट 5K है तो 5K में आप कैसे बेड सेलेक्ट कर सकते हो, तो उस पे ऊपर ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करो और वो वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 5K का बेड लेना है तो क्या ध्यान रखना है, और 12K का तक बेड लेना है तो क्या करना है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखना तो आपको बेस्ट से बेस्ट बेड मिल जाएगा। तो इन फ्यूचर और भी नए वीडियोस के साथ मिलता रहूंगा आपके साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।